हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब ऑफ एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के फिगर 6.3 के बारे में और जानेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म, कि स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हम जानते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बदले में ऑक्सीजन हम सभी को देते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसे करवाने वाला कौन होता है प्लांट्स में? इसको करवाने वाला होता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लीव्स में पाए जाते हैं। लेकिन क्या ये स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन लीफ में इक्वली होता है? जी नहीं, स्टोमेटा लीफ के अंदर लोअर साइड आपने देखा होगा, लीफ की दो साइड्स होती हैं, एक होती है अपर साइड, एक होती है लोअर साइड। तो जो लीफ की लोअर साइड होती है, ये जो लोअर साइड है, ये लीफ की, यहाँ पर मैक्सिमम स्टोमेटा देखे जाते हैं, मैक्सिमम स्टोमेटा। और जो अपर साइड होती है, यहाँ पर लेस स्टोमेटा होते हैं। इसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका रीजन होता है कि जब कभी समर्स के अंदर या सनलाइट के प्रेजेंस में जब कभी बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो लॉस ऑफ वाटर होता है, पानी का लॉस होता है फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लीफ। तो अगर सारे स्टोमेटा लीफ के अपर सरफेस पे होंगे, तो उससे ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस हो जाएगा प्लांट का। इस वजह से नेचर ने नेचुरली ही स्टोमेटा को लीफ के लोअर साइड पे रखा है। उससे क्या होगा, लोअर साइड पे लॉस ऑफ वाटर का रेट काफी कम होता है, और लॉस ऑफ वाटर को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो जहां लॉस ऑफ वाटर कम हो, वो कौन सी सरफेस है? वो है लीफ की अपर सरफेस। और जहां लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है, वो प्लांट ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये ध्यान रखना है, लोअर साइड में मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं, ताकि लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में। स्टोमेटा में कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक है गार्ड सेल, एक है स्टोमेटल पोर, जैसे आप देख पा रहे हैं जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, इसे नोन एज स्टोमेटल पोर। और ये ग्रीन ग्रीन राउंड राउंड सर्कल्स जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, इनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब गार्ड सेल का आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो अलग अलग शेप दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्वेल हुए पड़े हैं, गार्ड सेल काफी थिक है, और यहाँ पे काफी लंबे लंबे थिन थिन गार्ड सेल दिखाए गए हैं, और स्टोमेटल पोर भी काफी कम दिखाया गया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट्स, कि ओपन कंडीशन में, ये जो ए वाली पोर्शन है यहाँ पे, ओपन कंडीशन में जब प्लांट वाटर के इनटेक करता है, वाटर और मिनरल्स लेता है प्लांट, तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स? वो जाते हैं स्टोमेटा के गार्ड सेल में। तो जैसे ही स्टोमेटा के गार्ड सेल में वाटर एंड मिनरल्स एंटर करेंगे, तो गार्ड सेल आपके स्वेल हो जाते हैं, और जैसे ही गार्ड सेल स्वेल हुए, तो स्टोमेटल पोर यहाँ पे बड़ा हो जाता है, जो स्पेस है ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और वहीं जब कभी ट्रांसपिरेशन की वजह से सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर लॉस होगा, तो जब लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी बाहर जाएगा, तो आपके गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे। उसकी वजह से गार्ड सेल पतले पतले थिन थिन लॉन्ग लॉन्ग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और जो बीच की जो स्पेस है, स्टोमेटल पोर है, ये भी क्या हो जाती है, ये लेस हो जाती है, ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल काफी ज्यादा पास पास आ गए, नजदीक आ गए, जबकि ओपन कंडीशन में गार्ड सेल स्वेल हो गए थे, काफी मोटे और थिक हो गए थे, और बीच की जो सेंटर की जो स्पेस है, जिसे हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज ये दूर दूर हो जाते हैं गार्ड सेल जब स्वेल हो जाते हैं। तो वहीं जब पानी का लॉस होता है, तो गार्ड सेल काफी नजदीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, उसकी वजह से स्टोमेटल पोर का जो एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टोमेटा कैसे स्वेल होते हैं, कैसे श्रिंक होते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए
web of experience. Thank you.